दिल्ली के श्री दिगंबर जैन नया मंदिर धर्मपुरा में 2 अक्टूबर को आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के सानिध्य में 23 फीट ऊंचे मानस्तंभ का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में चल रहे विधान की मांगलिक क्रियाएं भी संपन्न की। आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के सानिध्य में दिल्ली के धर्मपुरा स्थित श्री दिगंबर जैन नया मंदिर में 2 अक्टूबर को 23 फीट ऊंचे मान स्तंभ का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास से पूर्व भक्तों ने श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर में गुरुवर के सानिध्य में श्री जी की अभिषेक एवं शांति धारा व नित्य महापूजन किया, जिसके बाद आयोजित हो रहे विधान की मांगलिक क्रियाएं सम्पन्न की। दस्तम जनो भवति ते तरुरप्य शोका अभ्युदय गते दिन पतो समय ही रोहोपी किंबा विभोध मुपियाति न जीव लोकः। विधान के बाद विज्ञान वाटिका पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जिसके उपरांत श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर से शिलान्यास शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में समग्र जैन समाज बैंड बाजों के साथ श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कूचा सेठ पहुँचा, जहाँ 24 तीर्थंकर हिरीम का शिलान्यास हुआ। कूचा सेठ मंदिर से शिलान्यास शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए श्री दिगंबर जैन नया मंदिर धर्मपुरा पहुंची, जहां पहुंचकर सभी भक्तों ने गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मान स्तंभ का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ब्रह्मचारी भैया जी ने जानकारी दी। मंदिर में भव्य मान स्तंभ शिलान्यास किया गया। इस मान स्तंभ शिलान्यास के उपलक्ष्य में विदित है कि जो मानी व्यक्ति होते हैं, घमंडी व्यक्ति होते हैं, उनका मान गलित हो जाता है। परंतु दिगंबर जैन समाज में किसी मंदिर की प्रतिष्ठा हेतु पहले उसका शिलान्यास किया जाता है, फिर उस पर मंदिर बनाया जाता है और मंदिर बनाने के बाद उसका भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होकर के वह श्री जी विराजमान कर देते हैं। हम आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की भूमिका में, जो कि 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक होने जा रहा है। आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य में 9 से 14 दिसंबर के मध्य दिल्ली में श्री मज्जनेन्द्र चिन्बिम पंचकल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी श्रृंखला में इस शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।